वाइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। 18 साल के युवा शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञा नंदा की चर्चा हर ओर हो रही है, बावजूद इसके कि वो शतरंज का फिदे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हार गए हैं, क्योंकि खेल में जीत हार से बड़ी होती है जीत की जिद जो प्रज्ञा नंदा में दुनिया को दिखा। जब उसने दुनिया के नंबर 2 शतरंज खिलाड़ी को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी। कभी कभी जीतने वाले से भी बड़ा प्रभाव रह जाता है हारने वाले का। जब खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जैसा हो, जिसने महज 18 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के माथे पर भी बल्ला दिया। फिडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में प्रज्ञानंदा ने दोनों बाजियों में 32 साल के मैग्नस कार्लसन को ड्रॉ पर रोका। हालांकि जीत और हार तय करने वाले टाई ब्रेकर मुकाबले में वो बस एक कदम पीछे रह गए। वो भले ही शतरंज के विश्व विजेता बनने से रह गए, लेकिन उनके खेल के अंदाज ने दुनिया का दिल जीत लिया। शह और मात के खेल शतरंज में अपनी छाप छोड़ने वाले प्रज्ञानंदा की इस प्रतिभा को पहचानने और उसे इस मुकाम तक लाने में बड़ी भूमिका रही उनकी माँ नागलक्ष्मी की, जिन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को इस खेल की तरफ न सिर्फ मोड़ा बल्कि कदम कदम पर उसके साथ खड़ी रही। स्वास्थ्य से लेकर खेल भावना जगाने तक प्रतियोगिता कहीं भी हो, माँ साथ रहती ताकि बेटे को घर का खाना मिल सके। प्रैक्टिस के लिए भी माँ साथ जाती हैं। हालांकि प्रज्ञानंदा ने शतरंज खेलना अपनी बड़ी बहन से सीखा, जो पहले से ही इसमें हाथ आजमा रही थी और नए नए मुकाम भी हासिल कर रही थी। He's best player on the planet and especially when he's playing any tournament, he's the favorite of any tournament he plays. Rapid, blitz, bullet, classical, everything. So, our family also believed in Prag because in the last few tie breaks he has been outperforming. In previous match he bet Caruana, who's world number 2, and it's not at all easy. So, we were also believing in Prag that he could definitely give put up a fight. She tries to pray during the games and try not to take pressure, but in the end she takes a lot of pressure. My mother was cooking here. In general, I prefer not taking too much outside food, especially in other countries, because it can that can get you sick. And for me, home food is always best, I guess, for everyone. 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में जन्मे प्रज्ञानंदा 3 साल की उम्र से ही शतरंज में हाथ आजमाने लगे थे। मेहनत और लगन ऐसी कि सिर्फ 10 साल की उम्र में शतरंज के इंटरनेशनल मास्टर बन गए और 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर। 2018 में प्रज्ञानंदा भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर और दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। प्रज्ञानंदा एक साधारण परिवार से हैं। पिता रमेश बाबू बैंक में काम करते हैं। प्रज्ञानंदा भले ही एक नया इतिहास रचने से चूक गए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर दुनिया को अपने दिमाग की ताकत से हिला दिया। ताकत ऐसी कि हारने पर भी देश के प्रधानमंत्री की शाबाशी मिली, शुभकामनाएं मिली। पीएम मोदी ने ट्वीट करके प्रज्ञानंदा के खेल की सराहना की और आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।